I think he's India's worst export. This is a viral moment. Bhubashi is saying he's India's worst export. No, seriously. जाकिर नाइक से रिलेटेड एक और बहुत इम्पोर्टेंट खबर, लेटेस्ट न्यूज सामने आई है। पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ, एक बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मुबशर लुकमान। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए अच्छा खासा जाकिर नाइक को जलील किया है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज वर्स्ट एक्सपोर्ट, जाकिर नाइक को मेंशन करते हुए इंटरव्यू देते हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने बहुत से इस्लामिक प्रीचर्स को सुना है, वो लव फैलाते हैं, हारमोनी का मैसेज देते हैं, पीस का मैसेज देते हैं, लेकिन जब भी मैं जाकिर नाइक को सुनता हूँ उनकी स्टेटमेंट में हेट साफ नजर आती है। इंडिया के अंदर भी बहुत सा ऐसा तबका है जो उनको मोहब्बत करता है और बहुत सा ऐसा तबका है जो उनसे नफरत करता है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो पब्लिकली कुछ भी बोले। ऐसा कहना है मुबशर लुकमान का स्टेटमेंट है सरासर गलत है। वो अल्लाह का पैगाम जो उनसे पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं, वो जो है अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, वो उनका हमारे लिए आईना बाइसे फ़ख्र है, हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त है, और हमारे लिए और इससे अच्छी क्या बात होगी कि वो हमें कुरान पाक की तालीम से आगाह कर रहे हैं कि हम कुरान पाक की तालीम से रोशनास होते हैं। हमारे लिए ये बहुत बाइसे फ़ख्र बात है कि वो हमारे मुल्क में आए हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को मुसलमान किया। क्या ये उनका कदम, क्या एक गलत कदम है कि वो अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को लेके आते हैं, वो अल्लाह का पैगाम दुनिया में पहुंचाते हैं, वो नकाद जोन से हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं है और हमें अल्लाह की तालीम देते हैं, और ऐसा शख्स बुरा कैसे हो सकता है ये बताइए। सबसे पहले आप मुझे बताएं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? मैं अनमैरिड हूँ। उन्होंने, जाकिर नाइक ने कहा है कि अनमैरिड वेमेन बाजारी औरतें होती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाजारी क्यों औरतें होती हैं? इस्लाम के अंदर कहीं पर भी विमेन के डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई। जाकिर नाइक आकर हद से ज़्यादा बेहुदा लैंग्वेज जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर शादीशुदा औरतें बाजारी औरतें होती हैं। अगर आप औरत को मेकअप में देखो 20 मिनट तक आपको कुछ ना हो, आप मर्दी नहीं हो, आप डॉक्टर के पास जाओ। आपको लगता है कि एक इस्लामिक प्रीचर को इस तरह की वाहियाती फैलाना जेब देता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। अगर वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं तो वो अल्लाह का पैगाम दे, बजाय कि वो अवाम को किसी और तरफ लगाए। और जहाँ भी उन्होंने कहा है कि बाजारी औरतें होती हैं, तो जो बाजार में बैठी हैं वो भी तो औरतें हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप औरत की रिस्पेक्ट करें, औरत को आप इज्जत दें, बाद में देखें वो बाजारी है कि वो जोंसी है, वो घरेलू है। जो घर में बैठी हैं वो भी इज्जत के लायक हैं, और जो बाजार में बैठी वो भी इज्जत के लायक हैं। तो आपको कैसे पता कि ये बाजारू है, जो अनमैरिड है वो बाजारू है? आप जाकिर नाइक ने कहा है कि, तो उनकी ये स्टेटमेंट उन्होंने अगर कहा है तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको औरत की इज्जत करना बताया गया है, ये नहीं कि वो जहालियत के जमाने में था कि औरत को मार देना, औरत को संसार कर देना। ये जो आज का दौर है, हर औरत इज्जत के लायक है। पहले जमाने में भी औरत इज्जत के लायक थी और आज के दौर में भी औरत इज्जत के लायक है। क्या वो इस्लाम की सही तालीमात पहुंचा रहे हैं हमारे लोगों के अंदर? ये बताएं, जो जितनी उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, आपको लगता है कि वो सही बंदे हैं? बस उन्हें ये काम ही छोड़ देना चाहिए, फिर वो अल्लाह की तालीम की तरफ लोगों को नहीं लेके आ रही। अगर तो वो औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो समझे वो कोई काम नहीं कर सकता। जो आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसे इस दुनिया में रहने का ही हक नहीं है। जो आपको औलाद देती है, जो आपकी नस्ल को चलाती है, वो बाजारी है। फिर वो भी जो औरतें घरों में बैठी सभी फिर बाजारी हैं। मैं इधर खड़ी हूँ तो क्या मैं अब जॉब के लिए निकली हूँ? क्या मैं बाजारी हूँ? ये उनकी स्टेटमेंट सरासर गलत है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ये बताएगा कि उन्होंने ऐसे बेतहाशा स्टेटमेंट दी है, उन्होंने छोटी छोटी बच्चियां स्टेज पर थी, वो उनको नामहरम करके निकल गए कि मैंने नहीं इनको जो है वो इनको अवार्ड दे सकता, वहीं पर उनकी एक एयर होस्टेस के साथ पिक्चर भी आ जाती है। हाँ, तो ये लोग ऐसी तो तालीमात देते हैं दूसरों को, जोन सा वह है महरम की, दूसरों को नकाब की देते हैं, और खुद इनकी फिर याशियाँ खुल्लम खुल्ला होती है अगर जुबान खुलवाएं ये तो। तमाम मौलवियों का हाल फिर यही है, तसब मौलवी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन सभी इस लाइन में भी फिर आ जाते हैं जो हमें अल्लाह का भी पैगाम देते हैं और अपने काम जो उनसे वो 100% दुरुस्त रखते हैं, औरतों के साथ ताल्लुक भी फिर रखते हैं। जो स्टेज पे नाचती हैं हमारे लिए तो वो भी काबिल इज्जत हैं, जो घरों में नाचती हैं हमारे लिए तो वो भी काबिल इज्जत हैं। इन्हीं औरतों के साथ ये लोग ताल्लुक रख के बाद में उन्हें बाजारी औरत का नाम दे देते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।